हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहां पे आज सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात रहने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हुए हैं जो नर्सिंग ऑफिसर्स का वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, कहाँ का वैकेंसी रहने वाला है, कितना पोस्ट होगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट हैं कि जो अप्लाई कर पाएंगे, और सैलरी पैकेज क्या रहेगा, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, हर एक डिटेल आपको जानकारी हम डिटेल में देने वाले हैं। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो अप टू डेट रहने के लिए बेल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि तब कभी जब कभी हम भी आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो आपको सीधे ही मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन पहुँच पाए। चलिए स्टूडेंट्स, आज वैकेंसी का बात करने वाले हैं। वैकेंसी कहाँ का रहने वाला है, तो वैकेंसी मैं आपको बता दूँ, UPPSC प्रयागराज की तरफ से वैकेंसी निकल के आया हुआ है। ठीक है, कहाँ का वैकेंसी, उत्तर प्रदेश का वैकेंसी है, यूपी का वैकेंसी यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जो बच्चे सुन लेते हैं कि यूपी का वैकेंसी है वो घबराए ना। ठीक है, क्या है कि ये जो यूपी का वैकेंसी भले ही होने वाला है, बट आप में यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट हैं कि जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, और बात करेंगे हम कहाँ कहाँ का कितना कितना वैकेंसी निकला हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्टाफ नर्स। ठीक है, स्टाफ नर्स किसका है, पुरुष महिला परीक्षा 2023। ठीक है, यहाँ पे एक कैलेंडर जारी हुआ जो कि UPPSC की तरफ से हर साल जारी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ओनली क्या कर सकते हो, आप अब एग्ज़ाम दे सकते हो और आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेल हो फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे मैं बात करूँ आपसे आने वाले इसके जो नोटिफिकेशन होगा, चाहे आप बात करें GNM कैंडिडेट होगा या BSc कैंडिडेट होगा, या फिर बात करूँ MSc या PBBSc कैंडिडेट। ठीक है, तीनों चारों ही कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए बहुत अच्छी तरीके से एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अभी इसका ऐसा वैकेंसी रिगार्डिंग और कैटेगरी वाइज रिगार्डिंग और ऑनलाइन कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ठीक है, जारी होने का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि इसका जारी कब तक हो सकता है। ठीक है, तो जारी होने का प्रोबेबिलिटी है कि इसका जो 2 अगस्त है, ठीक है, अगस्त के 2 अगस्त के बीच में यहाँ पर जारी हो सकता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आएगा आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल द्वारा बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन की हर एक वैकेंसी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है, सैलरी पैकेज का यदि मैं बात करूंगा तो इसका सैलरी आपको 60,000 से लेके तो 75,000 या 80,000 के समथिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि यूपी में हमेशा ही जो सैलरी पैकेज रहता है वो हमेशा ही आपको हाई देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें 4400 ग्रेड का पे लगता है और साथ ही में आपका DA वगैरह मिला के जो एक सैलरी होता है आपका बहुत ही अच्छा बेहतरीन सैलरी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, वैकेंसी का बात करूँ तो वैकेंसी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बल्क में वैकेंसी रखा गया है। कितना है, 2,240 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और नीचे साथ ही में स्टाफ नर्स आयुर्वेद का भी महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है, वो कितना, 300 वैकेंसी है। ठीक है, तो ऐसे मिला के यदि आप बात करो तो जो आपका वैकेंसी जाता है वो आपका वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2500 के अराउंड आपका वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा वैकेंसी है, और जितने बच्चे हैं स्टाफ नर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। अब आपके लिए यहाँ पे यूपी में बहुत अच्छा वैकेंसी निकला हुआ है, जिसका सैलरी भी अच्छा मिलेगा और आप अच्छी तरीके से इसका क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको अपडेट्स आएगी, अपकमिंग अपडेट्स आएगी, वो आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा बता दिया जाएगा। तो चैनल पर बिल्कुल बने रहिएगा, लाइव अप टू डेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये एक नोटिस जारी हुआ था। ठीक है, अब ये नोटिस कैलेंडर नोटिस है आपका, इसका ऑफिशियली वेबसाइट कब आएगा या इसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है, रूल बुक होता है, वो कब तक आएगा वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका जो ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम भी आपको मोड ऑनलाइन होता है। ठीक है, और हो सकता है तो आपका जो बच्चे होते हैं कि हाँ एग्ज़ाम कहाँ होता है, तो जो इसका एग्ज़ाम सेंटर होता है वो आपको यूपी में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब कभी आप फॉर्म भरने वाले हों तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो सेंटर है वो आपको यूपी में ही देखने को
मिलेगा, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल द्वारा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। थैंक यू सो मच गाइस।